आप लोग यहीं रहिए और आप लोग कहीं मत जाइएगा, आप लोग भी यहीं रहिए। अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं मैं एक ऐसे शख्स से जिसको पाकिस्तान में बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। वो उठते हैं तो प्रॉब्लम होता है, कभी कभी उनके उठने की वजह से प्रॉब्लम होता है, वो सोते हैं तब भी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी उनकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। नाम उनका है शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन कौन है यह आज आपको पता चलेगा। आपकी बहुत सारी तालियों में शहाबुद्दीन जी। वहीं जाएंगे आप, जी जी तशरीफ रखिए। ये जो गेम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। ये जो गेम खेल लिया गया ना मेरे साथ, मुझे मालूम नहीं था, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। बारह चलो, मेरे लिए बजर ना बजा देना भैया, मैं पहली बजर पे जिंदा हूँ। और मुझे कोई पॉइंट भी ना दे दे, क्यों मेरा पॉइंट भी नहीं है। एक बात तय कर लो भाई, माफ़ करना रोज़े में गुस्सा आराम है। एक बात तय कर लो मियाँ, सोशल मीडिया या तो चला लो या बंद कर लो, या तो चला लो या बंद कर लो। सोशल मीडिया जब बंद कर देते हैं, बताओ अभी आप कुछ दिन पहले सोशल मीडिया बंद कर दिया, मेरे बच्चे ने किताबें रिसाले उठा लिए, मेरा तो जी हलक को आ गया। मैंने कहा कल गला को इसको पढ़ने लिखने का शौक हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। सोशल मीडिया चला के रखो इसलिए कि जिन कौमों ने सोशल मीडिया का बायकाट किया और किताबें उठाई, तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। तारीख ने उनका नाम किताब से मिटा दिया और पहले सफ़े पर लिख दिया। और ये सोशल मीडिया बंद होने से सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे हो रहा है, क्योंकि मेरी बीवी हर काम टाइम पे कर लेती है और हर काम टाइम का करने के बाद बैठ जाती है मुझे पकाने। तो सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब से बहुत से लोग रेसिपी देख के खाने बनाते हैं। अगर यूट्यूब नहीं चलेगा तो जो लोग रेसिपी देख के खाने बना रहे हैं उनके यहाँ इफ्तार कैसे बनेगा, खुद बनाओ, अपनी ईमान से बताओ। सोशल मीडिया चला कर रखो। अब बात यहाँ पे यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, बात जो है यहाँ पे बढ़ रही है, थोड़ी बढ़ रही है, तवज्जो सुनिएगा। एक तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। यानी वो क्या है, वो पांडा, अबे पांडा घर पर खाना ले आता, पूरी फैमिली खा लेती है, पांडे मैं धो रहा होता हूँ। वैसे ये अच्छे मजाक होते हैं, इस पर कम ही हंसते हैं लोग। मैं यहाँ पे हंसाने आए ही नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज, ये जो हमारे बच्चों के हर साल महीने में, छः महीने में एक चीज़ होती है पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग हमारे बच्चों के वालदैन को बुलाते हो बच्चों की शिकायतें करने के लिए, अपने माँ बाप भी तो साथ लाया करो, तुम्हारी शिकायत किससे करें। और आखिर में एक इत्तला दे रहा हूँ भैया, गुरूर नहीं किया आज तक, परसों खातून कह लेंगी आपके दिल में थोड़ी जगह मिल जाएगी। मैं क्या एक शर्त पे दूंगा, पहले जिससे मौजूद है उनसे लड़ना मत आधा वर्ष। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शहाबुद्दीन ने कहा कि इनकी बेगम इन्हें पकाती रहती हैं, इस उम्र में पकाया नहीं जा सकता। ब्रेक है, आदमी जल जाता है।